11 दिसंबर को दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय में जबरदस्त हंगामा हुआ और प्रो कुलपति के साथ साथ विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना था कि मोहित दुबे ने इन दबंग लोगों को बुलाकर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहा, जिसके बाद छात्र और स्टाफ बेकाबू हो गया और जबरदस्त मारपीट की गई। इसी को लेकर विश्व हिंदू महासंघ ने एक जोरदार प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर किया। इसमें संघ की तरफ से कहा गया कि उनके मीडिया प्रभार IFTM में विधि के छात्र हैं और अपना प्रवेश पत्र लेने गए थे, पर विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति में चल रही तकरार का ठीकरा उनके सर पर फूट गया। फिलहाल उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि वो उनकी प्रार्थना महासंघ के मीडिया प्रभारी का सिटी का IFTM यूनिवर्सिटी में LLM का एग्जाम था, उनके साथ दो और कार्यकर्ताओं का एग्जाम था LLB का। इस संबंध में प्रवेश पत्र उन्हें अभी तक जारी नहीं किए गए थे, क्योंकि ये एडमिशन 2 महीने पहले दुबे जी को कहकर कराए गए थे और इस वजह से इन पे गुटबाजी के चलते इनके प्रवेश पत्र जारी आदित्य शर्मा और जो प्रशासनिक अधिकारी थे नहीं कर रहे थे। तो 11 तारीख को इस संबंध में वार्ता करने पहुंचे, सीटी की परीक्षा भी उन्हें देनी थी। उधर से अमरोहा की पूरी टीम जो कि हमसे मिलने आ रही थी विश्व हिंदू महासंघ की, उन्होंने उनसे वार्ता की मीडिया प्रभारी के जरिए। उन्होंने कहा जी मैं IFTM में हूँ, यहीं आ जाइए, यहीं से फिर चलते हैं वापस मुरादाबाद के लिए। दुबे जी से बातचीत चल रही थी, इन लोगों ने उसमें देरी लगाई। प्रवेश पत्र जारी करने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं बन के अभी तक भरवाए गए थे, वो एग्जामिनेशन फॉर्म देने में देर कर रहे थे। तब 1 घंटे का समय इन्होंने इस बीच में लिया, उसमें पूरी तैयारी करी गई। 200-250 लोगों के स्टाफ के साथ में गार्ड थे और बाहर से अराजक कुछ गुंडा तत्व इन्होंने IFTM के लोगों ने बुलवा रखे थे। वार्ता करते पे चूंकि अमर उजाला साफ दिखा रहा है कि वहाँ बैठकर वो लोग वार्ता कर रहे हैं और जो भी गनर थे वो लोग बाहर खड़े हैं, क्योंकि माफिया राज अमरोहा में खत्म किया गया है, माफिया से जान का खतरा बना हुआ है। ये LIU रिपोर्ट भी हमको मिल चुकी है, पूज्य महाराज जी को भी हमने इस पर सूचित करा दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। इसीलिए अपनी आत्मरक्षा के लिए हमारे कार्यकर्ता लाइसेंसी हथियार लेकर चलते हैं, जो कि उनका अधिकार भी है। जब पुलिस प्रशासन प्रोटेक्शन नहीं दे रहा अभी तक, मेरे लिए भी गनर के लिए वहां से संस्तुति की गई है, लेकिन अभी तक गनर उपलब्ध नहीं कराए गए, 1 महीना होने को आ रहा है। इसलिए अपनी आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस हथियार लेकर चलना कोई कानून तो है गैर कानूनी नहीं है। वार्ता के उपरांत उन पर अटैक किया गया, अंदर मार पिटाई बुरी तरीके से की गई, खींच के बाहर लगाए, मारे गए, सारे लाइसेंस हथियार छीन लिए गए। उसके बाद बुरी तरीके से कार्यकर्ताओं की, बुजुर्ग कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई, ताला बंद कर दिया गया था IFTM का। अगर हमला विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने करा तो इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? पुलिस को इन्फॉर्मेशन हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई। 2:30 बजे मैंने DM साहब को फोन करा पुलिस भेजने के लिए, 3 बार फोन करने के उपरांत में उन्होंने पुलिस भिजवाई और इसके बाद में 1.5 घंटे तक कार्यकर्ताओं का कोई पता नहीं चला। बाद में मुझसे ऐसे से बात हुई, उन्होंने कहा पुलिस कम है और भिजवाइए। ज्ञापन दे रहे हैं, इसमें क्या मांग की है? मांग ये है कार्यकर्ताओं की गाड़ी में 2 लाख रुपए पड़े हुए थे वो लूटे गए हैं, 6 गाड़ियां तोड़ी गई हैं, असले लूटे गए। और जो भ्रष्ट थानाध्यक्ष विवेक शर्मा ने वहाँ IFTM प्रशासन से मिलकर भारी रिश्वत लेकर घायल कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, उनका इलाज भी नहीं कराया। जिलाध्यक्ष चमरोहा अभी भी ICU एडमिट है और हमारी अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही। पूरे इसमें जो भी लोग पीछे से लगे हुए हैं धनबल का सहारा लेकर महासंघ को बदनाम करने की जो साजिश रची गई है, इनका आपसी झगड़ा था, आपसी झगड़ा महासंघ के ऊपर क्यों टाला गया? और हम अपनी रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं, हमारी रिपोर्ट दर्ज की जाए, हमें कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो, फर्जी मुकदमे वापस लिए जाए, अन्यथा संगठन आंदोलन को बाध्य। पब्लिक TV आपकी आवाज़।